तो मेरे डिस्कॉर्ड पे किसी ने मेरे को मैसेज किया। अब इस बंदे को मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, ये बंदा है कौन, इससे मैं पहली बार बात कर रहा हूँ। तो इसने मेरे को एक लिंक दी, साथ में इसने मेरे को सीड और कोऑर्डिनेट दिए। अब पता नहीं इस लिंक में क्या है, इसमें क्या पता कोई वीडियो हो, कुछ भी हो सकता है, और मेरा पीसी इस लिंक से हैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ बस तुम्हारे लिए। ओके क्लिक करते हैं। व्हाट, ये क्या है? तो आज हम ट्राई करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे स्कैरी सीड्स जो कि आज तक कभी आपने यूट्यूब के किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। और ये सीड इतने ज्यादा स्कैरी हैं जिनको देखकर आप लिटरली शॉक हो जाओगे कि ये माइनक्राफ्ट में पॉसिबल है कि नहीं। सो लेट्स बिगिन। ओके तो ये एक डेजर्ट टेम्पल के अंदर जा रहा है। ओके एंड यहाँ पे कर क्या रहा है? नीचे जा रहा है चेस्ट लूटने के लिए। वेट, नीचे एक और डेजर्ट टेम्पल। व्हाट, वेट अ सेकंड, ये क्या है? ये क्या ग्लिच था? एक सेकंड, वेट, यहाँ पे दो दो डेजर्ट टेम्पल है क्या? इसके नीचे चेस्ट हो? नहीं, एक और डेजर्ट टेम्पल। क्या ये कोई लूप है क्या? वेट, ये कितने, अबे एक के बाद एक डेजर्ट टेम्पल नीचे की तरफ आ रहे हैं। वेट, फिर दोबारा एक और डेजर्ट टेम्पल। इसको मैं ट्राई करता हूँ फटाफट अपने वर्ल्ड में। तो चलो इस सीट को जल्दी से ट्राई करते हैं। और अगर आपको इन सीट को ट्राई करना है तो इस वीडियो पे 10K लाइक्स कंप्लीट करवा दो। मैं आपको सारी सीट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बस 10K लाइक्स आपको कंप्लीट करवाना है। ओके फाइनली मैं इस वर्ल्ड में आ गया एंड मैं एक आईलैंड पे हूँ आई गेस। फटाफट हम लोकेट करते हैं डेजर्ट टेम्पल। तो हमें इस कोऑर्डिनेट पे जाना है, फटाफट चलते हैं। ओके मैं आ गया वहाँ पे कोऑर्डिनेट के पास। ये रहा डेजर्ट टेम्पल हमारा, और पास में एक विलेज भी है, काफी बढ़िया लोकेशन है। चलो डेजर्ट टेम्पल के अंदर फटाफट चलते हैं और अब जानते हैं हम अब ट्रूथ। क्या इसके नीचे सेम वैसे ही होगा जैसे कि उस वीडियो में था? एक बार पहले मैं यहाँ से देखता हूँ। ओके तोड़ दिया। व्हाट, इसके नीचे तो एक सिंपल डेजर्ट पिरामिड जैसा है, कोई भी लूप तो नहीं है यहाँ पर। व्हाट, एक सेकंड, मेरे को चेक करने दो वीडियो। सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। ओ अब गलती पता चली मेरे को। एक सेकेंड, आई गेस मैंने एक चीज गलती की, क्योंकि वीडियो में था एक, उसके हाथ में एक टोटम था। तो फटाफट अपने लेफ्ट हैंड में हम एक टोटम ले लेते हैं। चलो आगे मैं सर्वाइवल मोड में, अब चलो फटाफट देखते हैं। ओके एंड नथिंग मैन। ये भाई, भाई यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ यार, देख रहा हूँ मेरे को, मेरे साथ यार यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। इसके नीचे तो सेम एक डेजर्ट पिरामिड ही है भाई, नीचे चेस्ट है वहाँ पे देखो, और एक प्रेशर प्लेट है। भाई मैंने उस वीडियो में जैसे देखा था कि एक लूप था, नीचे जाने पर हमें एक और डेजर्ट टेम्पल मिलता, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या मैं कुछ गलती कर रहा हूँ? एक सेकेंड, मेरे को उस वीडियो को ढंग से देखने दो, मुझे तो नहीं लग रहा कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ। चलो एक और बार ट्राई करते हैं। वेल, मुझे तो ये चीजें झूठे लग रही है, बिकॉज भाई साहब उस वीडियो में आपने देखा था उसको नीचे एक और डेजर्ट टेम्पल मिला था, बट मेरे साथ नहीं हो रहा। वेट, व्हाट, वेट अ सेकंड, नो वे, ये मैं कहाँ आ गया? ये तो डेजर्ट टेम्पल ही है, बट वेट अ सेकंड, सेम ऐसा ही था ऊपर। व्हाट, ये क्या है? ये अजीब है। एंड रास्ता कहाँ है बाहर जाने का? मेरा रास्ता ब्लॉक है। वेट एक सेकंड, मैं यहाँ पे दोबारा तोड़ता हूँ। मेरे को नीचे चेस्ट मिलना चाहिए, वैसे तो डेजर्ट टेम्पल के नीचे चेस्ट मिलता है, आई गेस नीचे चेस्ट मिलना चाहिए मुझे। नो, व्हाट, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आई डोंट नो, बट ये काफी ज्यादा अजीब है। एक सेकंड, ये देखो ऊपर देखो भाई, मेरा डेजर्ट टेम्पल की कितनी सारी लेयर बन गई है। बट यार ये क्या अजीब चीज हो रही है मेरे साथ? मैं जब तक ट्राई करूंगा जब तक मेरे को चेस्ट ना मिल जाए नीचे डेजर्ट टेम्पल के, काफी अजीब चीज हो रही है। ये देखो मैं फिर दोबारा एक लूप में फंस गया हूँ वैसे, बिकॉज मैं जब जब ये ब्लॉक तोड़ रहा हूँ तो मैं दोबारा से डेजर्ट टेम्पल के अंदर आ जा रहा हूँ। ये देखो ये काफी ज्यादा अजीब है यार, लगता है जैसे कि मैं इस लूप से भाई निकलने वाला ही नहीं हूँ। मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं किसी लूप में फंस गया हूँ, अब मैं इससे बाहर ही नहीं आ सकता। वैसे यहाँ से बाहर भी तो नहीं जा सकता, मैं देख रहा हूँ यहाँ से कहीं पे भी नहीं जा सकता मैं, काफी अजीब बात है, यहाँ से मैं बाहर नहीं जा पा रहा। आई गेस मेरे को इस वर्ल्ड को डिलीट कर देना चाहिए। और भाई ये सीट भी काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि मैं हर बार ट्राई। वेट अ सेकेंड, नीचे चेस्ट है? वेट, मैं एक सेकेंड, मैं लूप से, व्हाट, ऊपर डेजर्ट टेम्पल का भाई मेरे को, एक मिनट, यहाँ पे कितने सारे डेजर्ट टेम्पल थे भाई हमें देखने को मिल रहे थे, और मैं काफी नीचे तक आ चुका था, लेकिन व्हाट, अब एरिया खुल भी गया भाई, ये एरिया ब्लॉक था डेजर्ट टेम्पल का बाहर जाने का, बट अब डेजर्ट टेम्पल बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रहा है। हाउ इट्स पॉसिबल मैन, ये काफी ज्यादा अजीब बात है यार, ये कैसे हो सकता है यार, मेरे को काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। वैसे इस सीट को आप बिल्कुल भी मत ट्राई करना, पता नहीं आपके साथ क्या होगा। तो मेरे बिजनेस ईमेल अकाउंट पे किसी ने मेरे को एक मेल भेजा, उसने इसमें लिख रखा है प्लीज चेक दिस सीड, और पता नहीं ये बंदा कौन है, और इसने मेरे को एक वीडियो की लिंक दे रखी है। तो चलो इसको एक बार देखते हैं क्या इसके अंदर। ओके ये एक वीडियो है, ऑलराइट, एक प्लेयर किसी वर्ल्ड के अंदर अभी स्पॉन हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा है। ओह
वेट, ये क्या एक एंडर पोर्टल? नो वे, ये फेक है भाई। पूरा एंडर पोर्टल ऐसे कैसे मिल जाता है ओपन? नो भाई, एक मिनट यार, पूरी फेक लग रही है मेरे को वीडियो। अब इस एंडर पोर्टल के अंदर आई गेस जाने वाला है। ओके, जैसा गैस किया था। वेट, व्हाट? एंड सिटी को, वाओ, ये क्या है? वेट, ये क्या पॉसिबल है माइनक्राफ्ट में? इस सीट को तो ट्राई करना बनता है, तो चलो सीट को ट्राई करते हैं। ओके, फाइनली मैं वर्ल्ड के अंदर आ गया। और वेट एक सेकेंड, ये मेरे सामने क्या है? वो एक एंडर पोर्टल। व्हाट? जैसे कि हमने उस वीडियो में देखा था, सेम वैसे ही एंडर पोर्टल है यहाँ पर। वैसे मैं एक बार यहाँ पर आसपास कुछ चीजें नोटिस कर लेता हूँ कि यहाँ पर कुछ अजीब है। आई थिंक कुछ भी अजीब तो मेरे को देखने को। व्हाट, एक सेकेंड, यहाँ पर लिटरली हर टाइप के पेड़ है। ये देखो, ये हमारा नॉर्मल ओवरवर्ल्ड में मतलब प्लेन में मिलता है, ये सवाना का है, ये डार्क फॉरेस्ट का है, और वो ब्रिज का है, एंड वो तो भाई टाइगर बायोम का है, और ये कहाँ का है? ये आई गेस कोई रेयर बायोम का ही ट्री है, बाकी उधर तो नॉर्मल है। वैसे भाई यहाँ पर पहली बात ये बहुत ज्यादा अजीब चीज है कि यहाँ पर भाई एक एंडर पोर्टल है, वो भी फुल्ली एक्टिवेट। ओके, काफी बढ़िया है। और एक सेकेंड, मैं एक काम करता हूँ, पहले क्रिएटिव में चलते हैं बाहर, इधर उधर देख लेते हैं। व्हाट अ सेकंड, वेट, अगर पानी कैसे? वेट, व्हाट, मैं उस साइड नहीं जा पा रहा। वाह, एक सेकंड, काफी ज्यादा अजीब बात है। एक मिनट, यहाँ से मैं उस साइड नहीं जा पा रहा। वाह, ये भाई काफी ज्यादा अजीब चीज है भाई। ये सीट तो काफी ज्यादा अजीब है क्योंकि मैं उस साइड जा ही नहीं पा रहा। ये देखो, है ना, काफी अजीब बात। वैसे मेरे को उस साइड कुछ काम तो नहीं है, लेकिन जाने का मन था। नीचे से जा सकते हैं? नो, नीचे से भी नहीं जा सकते। चलो एक काम करते हैं, फटाफट चलते हैं इस एंडर पोर्टल से होते हुए एंड के अंदर, और देखते हैं कि हमें एंड में ऐसा क्या मिलने वाला है जो कि इस सीट को काफी ज्यादा स्कैरी बनाती है। मैं वैसे क्रिएटिव में जाऊंगा, मुझे एंड लेट्स गो। ओके, फाइनली मैं एंड के अंदर आ गया। वेट अ सेकंड, ये एंड ड्रैगन यहाँ पे क्या कर रहा है? वेट भाई, यहाँ का पूरा एंड कहाँ गया? और वेट, वो ये क्या है? नो वे, ये मुझे पूरा फेक लग रहा है, बिकॉज ऐसा कभी नहीं होता भाई। एंड के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर हमें कभी नहीं देखने को मिलता। वेट, सही में इसने माइनक्राफ्ट को हिला डाला होगा जब ये माइनक्राफ्ट को पहली बार दिखा होगा। भाई साहब, क्या चीज है ये? वेट, ये माइनक्राफ्ट में रियली एग्जिस्ट करता है, अब पता चला मेरे को। और सही है, माइनक्राफ्ट ने इसको रिमूव कर दिया। वेट, क्या ये एंडर ड्रैगन है क्या? वे, अब भाई साहब इसकी साइज देखो एक बार। ये नॉर्मल, देखो वहाँ पे एक नॉर्मल एंडर ड्रैगन वहाँ पे है, वो काफी छोटा है, दिख भी नहीं रहा। आई गेस मेरे को पहले वहाँ चलना चाहिए थोड़ा। ये देखो हमारा नॉर्मल एंडर ड्रैगन, और ये हमारा भाई इतना बड़ा एंडर ड्रैगन। वाओ भाई, एक सेकंड, काफी बड़ा एंडर ड्रैगन है। वेट अ सेकंड, व्हाट ए ग्लिच, एक मिनट, ये ग्लिच है क्या यहाँ पर? भाई ग्रास कैसे आ गए? भाई यहाँ पे क्या हो रहा? भाई फूल तक उग रहे हैं, काफी अजीब बात है यार। सही है, माइनक्राफ्ट ने इसको रिमूव कर दिया। पहली बार मैं एंड के अंदर एक पेड़ उगता हुआ देख रहा हूँ। एक बार इनका साइज देखो, मैं तो भाई इनके पैरों के भाई नाखून के बराबर भी नहीं हूँ, कितना छोटा हूँ मैं। और इस एंड ड्रैगन को मारने में लिटरली मेरी तो फट जाती, मैं तो हार मान लेता, मैं माइनक्राफ्ट डिलीट ही कर देता, कभी नहीं मार पाता इसको। वेल, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक करो, तभी तो मिलेगी इसकी सीड, तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक करो। वेट अ सेकंड, इस बंदे ने मेरे को एक और वीडियो भेजी है और इसको भी चेक करने को बोल रहा है, तो चलो एक बार ट्राई करते हैं। ये सेम बंदा वही है जिसने मेरे को पहली जो सीड भेजी थी। चलो इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में है क्या। ओके, ये एक वीडियो है, आई गेस ये कोई प्लेयर है। व्हाट, ये कर क्या रहा है? ओ, यहां पे इसने कोबलस्टोन के कुछ टावर बना रहा है आई गेस। व्हाट, ये टावर से करेगा क्या वैसे? आई डोंट नो, इसने इतने सारे टावर क्यों बनाए। ये 6 टावर है और इसके ऊपर ये लगा रहा है नेदर रैक। ओके, अब क्या करेगा इनके साथ? इनको इग्नाइट कर दिया, वैसे करना क्या चाह रहा है ये मेरे को नहीं पता। ऑलराइट, कर दिया इसने सब कुछ। व्हाट, अब यहाँ पे एक इसने लालटेन लगा दिया, डेलाइट डिटेक्टर। ओह, सबको कनेक्ट कर रहा है क्या रेडस्टोन से, सारे टावर को? आई डोंट नो ये करना क्या चाह रहा है, लेकिन काफी अजीब लग रहा है। ओके, सारे टावर को इसने कनेक्ट कर दिया, वैसे करना क्या चाह रहा है आई डोंट नो। ओके, ये मून है एक। व्हाट, अब क्या करेगा यहाँ पे? वेट, वो वेट, ये अपने आप ब्लिंक कर रहा है, एक सेकेंड। वो लूनर मून, वेट, नो, नॉट पॉसिबल, मैन इसका माइंड का पूरा ग्लिच हो रहा है। What? क्या पॉसिबल है माइनक्राफ्ट में? चलो इस वर्ल्ड के अंदर फटाफट आते हैं। ओके, मैं उस वर्ल्ड में आ गया, मेरा गेम बहुत ज्यादा ग्लिची है, और सामने मेरे को एक विलेज मिला है और एक विलेजर आउटपोस्ट। बट वेट अ सेकंड, ये विलेज काफी ज्यादा अजीब है। यहाँ पे यार ब्लॉक ऐसी, डर्ट पाथ को देखो एक बार, अजीब है। और यहाँ पे एक रिवीन है। वेट,
यहाँ पर यार सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब है यार, ग्लिची ग्लिची सा दिख रहा है, क्योंकि यार पेड़ के ऊपर से पानी कहाँ से आ रहा है यार, और यहाँ पे खेती भी अजीब है, ऑलमोस्ट सब कुछ अजीब है यार। पहले बात, ये विलेज कितना ज्यादा बड़ा है, और वेट, ये माइनक्राफ्ट का कोई ग्लिच है क्या, ये प्लेजर आउटपोस्ट को क्या हो गया भाई। यहाँ पे तो कोई भी मेरे को विलेजर दिख नहीं रहा यार इस वर्ल्ड में, एक मोब तक नहीं दिख रहा मेरे को, पहली बात काफी अजीब है। चेस्ट में ओके ठीक ठाक आइटम है। चलो अब देखते हैं लूनर मून हमें रात में देखने को मिलेगा कि नहीं। ओके मैंने टाइम सेट कर दिया नाइट, अब मेरे को लूनर मून दिखना। वेट, ये तो नॉर्मल मून है, लेकिन हमें वो रिचुअल करना पड़ेगा जो कि उस वीडियो में हमने देखा था, तो चलो उसको फटाफट करते हैं एंड देखते हैं कि हमें लूनर मून देखने को मिलेगा माइनक्राफ्ट के अंदर। काफी स्ट्रेंज बात है वैसे ये। तो चलो मैं यहाँ पर फटाफट वैसे कोबलस्टोन के टावर बनाने वाला हूँ। वैसे माइनक्राफ्ट में लूनर मून मिलना काफी ज्यादा स्कैरी बात है। ऑलराइट, कुछ इस टाइप से मेरे को लगाना है, और यहाँ पे मैं अभी वुड का यूज कर रहा हूँ। पहले तो मैं चेक कर लूँ कि ये सारी चीजें सही से काम कर रही है कि नहीं। ओके मैंने यहाँ पे काफी सारे टावर बना लिए, अब चलो सही है। पहले इनको इस टाइप से मेरे को इग्नाइट करना है, ये बस मैं बेसिक अभी ऊपर ऊपर से कर रहा हूँ। देखो ऐसे कुछ इग्नाइट करना पड़ेगा मुझे, तब ये मून लूनर मून में कन्वर्ट होगा, लेकिन अभी नहीं। पहले यहाँ पे मेरे को एक लालटेन लगाना है और सारे टावर को इस रेडस्टोन से कनेक्ट करना है मेरे को। ओके तो मुझे कुछ इस टाइप से लालटेन को लगाकर रेडस्टोन से सारे टावर को कनेक्ट करना है। ऑलराइट मैंने सारा काम कर लिया, अब जैसी हमारे लालटेन जैसी लाइट अप होगा तो हमारा मून होगा वो लूनर मून में कन्वर्ट हो जाएगा। काफी स्ट्रेंज बात है, बट मेरे को यहाँ पे पहले नेदर रैक लगाने दो और इस रिचुअल को पूरा करने दो। ओके यहाँ पे पूरा आग लगा देते हैं हम इनके ऊपर। ओके नाउ मेरा रिचुअल स्टार्ट हो गया, पता नहीं कितना टाइम लेगा, हम देखते हैं। ओके मैं यहाँ पे काफी देर तक हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को कुछ भी नहीं देखने को मिला, ना हमारा मून लूनर मून में कन्वर्ट हुआ। काफी अजीब बात है यार, काफी टाइम हो गया। आई गेस ये फेक वीडियो थी, 100% फेक ही लग रही थी वैसे, क्योंकि अभी तक ये लाइट अप तो हुआ नहीं अपने आप से। वे ये लाइट अप, नो इसको मैंने तो नहीं किया, लेकिन ये कैसे लाइट अप हो गया, आई डोंट नो। वेट नो, बिजली, व्हाट, एक मिनट, ऊपर देखने दो मुझे, ऊपर देखने दो। लूनर मून, वेट नो वे, लूनर मून व्हाट, ये काफी स्कैरी मून होता है। नो हीरो, ये हीरो प्राइन, वेट ये, वेट नो नो, ये कौन था, लिटरली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पर कोई एंटिटी होगा। तो अगली वीडियो भी हमें डिस्कॉर्ड से मिली है, जिसमें एक बंदा सीड ट्राई कर रहा है। अब मेरे को ये देखना है कि ये सीड स्कैरी है कि नहीं है, चलो एक बार वीडियो को देखते हैं। सही में ये सीड स्कैरी होगा, वेट स्पाइडरमैन है तो इस सीड में स्कैरी बात तो होगी। तो चलो यहाँ पर एक प्लेजर आउटपोस्ट है, उसे करना क्या चाह रहा है स्पाइडरमैन पता नहीं। ओके अंदर जाने की कोशिश करा, ओए वेट वहाँ पे एक प्लेजर आउटपोस्ट था। ओके कैसे न कैसे प्लेजरों से बच गया और अंदर आ गया है। वेट अ सेकंड, करना, वेट नो वे, क्या मत देना कि प्लेजर आउटपोस्ट के नीचे इस सीड के अंदर भी एक सीक्रेट रूम है, बिकॉज मेरी पिछली वीडियो में भी ऐसे मेरे को सीक्रेट रूम मिला था। यस यहाँ पे भी एक सीक्रेट रूम है, लेकिन इसमें स्कैरी बात क्या है वैसे, कुछ ज्यादा स्कैरी बात तो है नहीं, आई गेस एक नॉर्मल सीक्रेट रूम ही तो है। एंड यहाँ पर भाई काफी सारे एमरेड है, वैसे कुछ भी है तो नहीं इस सीट के अंदर। वेट हीरो ब्रांड विलेजर है सीट के अंदर। वेट अ सेकंड, इसको तो ट्राई करना बनता है। चलो इस सीट को मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस सीट को क्यों ट्राई कर रहा हूँ, पहली बात तो ये सीट काफी ज्यादा स्कैरी है, और दूसरी बात भाई मैं नीचे जा रहा हूँ, मेरे को प्लेजर्स मिलेंगे उनसे लड़ना पड़ेगा। ओके मैं फाइनली अंदर आ तो गया, बचते बचते, वेट नहीं भाई बच गया मैं, भाई बिल्कुल डर गया था ऊपर प्लेजर होते। चेस्ट में रेडस्टोन क्या कर रहा है, ऐसे कभी तो नहीं मिलता मेरे को प्लेजर आउटपोस्ट में रेडस्टोन। ओके वैसे नीचे कोई है तो नहीं, आराम आराम से चलते हैं। ओह नो प्लेजर, प्लेजर भागो, नहीं मारना मत मेरे को, रुको 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 रुको, मेरे को अंदर जाना पड़ेगा, रुको एक मिनट, नहीं भाई अभी मर जाता, पहले इसको ब्लॉक करो। ओके मैंने ब्लॉक कर दिया एरिया, अब मेरे को नीचे जाना है, तो मेरे को नीचे एक सीक्रेट रूम मिलना चाहिए। आई गेस यहाँ पे होना चाहिए सीक्रेट रूम, एंड लग तो नहीं रहा। वेट सीक्रेट रूम, ओ गॉड यहाँ पे एक सीक्रेट रूम है, सेम वैसे ही जैसे कि हमने वीडियो में देखा था। ये सीट काफी ज्यादा स्कैरी है भाई, सीक्रेट रूम मिला हमें, लेकिन हमें ढूंढना है उस हीरो ब्राइन विलेजर को। वैसे यहाँ पे तो यार काफी सारे एमरेड पड़े हुए हैं और इनकी जरूरत तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं है। चेस्ट है यहाँ पे, वेट इसके अंदर क्या है, ओके फूड आइटम है और एमरेड ब्लॉक है और कुछ भी नहीं है। वेट अ सेकंड, वो स्कल्स किसके पड़े हैं भाई, वो तो डरा रहे हैं यार। चलो उस साइड एक बार जाके देखते हैं। ओके तो इस साइड मेरे को स्कल देखने को मिल रहे हैं, वैसे स्कल है किसके, कहीं हीरो ब्राइन को तो नहीं है। वेट यहाँ पे कुछ था क्या, आई डोंट नो। एक सेकंड यार, मेरे को विलेजर की आवाज इतनी ज्यादा क्यों आ रही है और है कहाँ वो, मुझे पता नहीं यार। एक सेकंड, यहीं कहीं से तो आवाज, वेट व्हाट,
ये ब्लॉक और ये ब्लॉक पर थोड़ा सा अंतर दिखा। वाह वाओ, ये एक भाई घोस्ट ब्लॉक है। व्हाट, ये कहां से आ गया भाई माइनक्राफ्ट के अंदर घोस्ट ब्लॉक। वेट, इसके आर पार जा सकता हूं मैं? ओ, और इसके पार देख सकता हूं मैं? लेकिन एक सेकेंड, मैं ये ग्लास, अच्छा उस साइड ये ग्लास नहीं है, काफी अजीब चीज है। यहाँ पे विलेजर भी है एंड इनके साथ पता नहीं क्या करते हैं विलेज। एक सेकेंड, ये इस साइड क्यों मुंह करके बैठ, अच्छा एक नॉर्मल विलेजर है, पता नहीं पिलेजर इनके साथ करते क्या है, मुझे इनसे तो लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे को इतना तो पता चल गया कि भाई पिलेजर बहुत ज्यादा बुरा करते होंगे विलेजर के साथ। तो मैं चलो ऊपर फटाफट चलता हूँ, अब बस मेरा काम खत्म, मैं इस वर्ल्ड से निकलता हूँ, बाहर चलते हैं फटाफट। ओके, मैं बाहर आ गया। अब इस वर्ल्ड में मेरे को कुछ भी करने को तो बचा नहीं है, सब कुछ देख लिया मैंने एंड आई गेस विलेजर।